उत्तराखंड के रुड़की झबरेड़ा थाना क्षेत्र में 29 जनवरी को एक युवक ने अपने ही चाचा के ट्रैक्टर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद खुद पुलिस को फोन कर लूट की सूचना दी थी। आरोपी युवक ने पुलिस को बरगलाने के लिए कहा कि कुछ व्यक्तियों ने उसका ट्रैक्टर लूट लिया है। वहीं चाचा ने झबरेड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर युवक से कड़ी पूछताछ की तो उसने लूट की घटना को स्वीकार किया और उसे मुजफ्फरनगर में 1,90,000 रुपए बेचने की बात भी कही। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है। SP देहात मणिकांत मिश्रा का कहना है कि आरोपी ने रहस्यमय तरीके से ट्रैक्टर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। उत्तराखंड के रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। 29 तारीख की दोपहर में ऐसी सूचना कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई कि दीपक नाम के एक व्यक्ति झबरेड़ा थाना क्षेत्र में अपना ट्रैक्टर लेके कहीं जा रहे थे। 8-10 लड़कों ने उनका ट्रैक्टर लूट लिया और उत्तर प्रदेश की तरफ वो चले गए। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और पूछताछ दीपक से की, लेकिन उस पर शक हुआ पुलिस को और इन क्षेत्रों से उसके ट्रैक्टर जाने का बताया कि मैं यहां से लेके इस क्षेत्र में जा रहा था, वहां किसी CCTV फुटेज में इस ट्रैक्टर को नहीं देखा गया। दीपक ने ही मुजफ्फरनगर में इस ट्रैक्टर को बेच दिया था 1,90,000 रुपये में और वो पैसे भी उसने छुपा के रखे थे, जिसमें वो पैसा और ट्रैक्टर बरामद किया गया।